अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, आबाद रखे और आपके हिफ्ज व अमान में रखे, आमीन। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सबके रोज़े सेहत से, अच्छे से और पूरे दिल से इबादत के साथ आपके रोज़े सबके जा रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसी हिदायत दे हमको आपको इस मुबारक महीने में, हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए नाज़रीन, आज इसी आगाज़ के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा कुकिंग व्लॉग। तो नाज़रीन, मैं आज बनाने लगी हूँ हेल्दी पोमोग्रेनेट मिल्क शेक। बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट, और इफ्तार के टाइम हर दिन रोज़ शरबत शरबत अच्छा नहीं लगता, तो डिफरेंट भी बना के पीना चाहिए। तो देखिए, आपको पता है बहुत सेहतमंद है। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम इसको एक जूस बनाएंगे नाज़रीन, अच्छा सा हेल्दी सा। तो मैंने लिया है आधा किलो पोमोग्रेनेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसको डाल लेते हैं। फिर नाज़रीन मैंने लिया है वनीला आइसक्रीम। माशाल्लाह, ये इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है हमारे ये जूस में, अनार के जूस में, आप ज़रूर डालिएगा। फिर मैंने लिया है आधा लीटर दूध। आधा लीटर मैंने पोमोग्रेनेट लिया था नाज़रीन, उसी मैंने हिसाब से मैंने दूध भी लिया है। फिर अपने हिसाब से शुगर, क्योंकि अनार जो हैं वो अच्छे स्वीट है नाज़रीन, इसलिए तो शुगर भी अपने हिसाब से डालिएगा देख के। तो फिर हमारा आइसक्रीम भी मिठाई होता है, आपको पता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आइस क्यूब्स डालूंगी नाज़रीन, क्योंकि मेरे पिघल जा रहे थे, क्योंकि गर्मी की वजह से ना बाहर निकाला ही नहीं जा रहा। तो मैंने फ्रिज में रखे हैं, मैं फ्रीज़र से निकाल के मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ऐड करके एक अच्छा सा हम पोमोग्रेनेट मिल्क शेक बना लेंगे। तो चलिए नाज़रीन, पहले मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँ, फिर मैं इसको दिखाऊँगी आपको। तो नाज़रीन देखिए, मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है हमारे पोमोग्रेनेट मिल्क शेक को। तो चलिए हम इसको डिश आउट कर लेंगे, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो नाज़रीन देखिए, हमारे पोमोग्रेनेट मिल्क शेक का फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी बनता है नाज़रीन, ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। हर कोई बनाता है अपने अपने तरीके से, हर कोई बनाता है, तो ये मेरा तरीका था। तो उम्मीद भी करूँगी आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो नाज़रीन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और लाजमी लाइक कीजिएगा। तो चलिए नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं एक नई ताज़ा रेसिपी के साथ आपके बीच में आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, आबाद रखे, और आप सब की, हम सब की इस मुबारक महीने में हर दुआ कबूल हो, हमारे गुनाह माफ़ हो, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन, टेक केयर, दुआ में याद रखना और मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।